ये चू मेरी सुबह रेडी हो चुकी है। आज मैंने इसको ना इनर पहना के ऊपर फ्रॉक पहनाई है, बड़ी क्यूट सी लग रही है छोटी सी फ्रॉक में। अल्ले है चू त्या चू चैनल सपना मनोहर। कैसे आप लोग को फिर सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे? हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है फिक्स 2 बजे से नहा धो के मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। नहा धो के मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और अभी मैं अपना लंच बनाने जाऊँगी जिसमें है सांभर डोसा। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था तो मुझे कई लोग कॉमेंट कर रहे हैं ऐसा डोसा थोड़ना होता है, ऐसा सांभर थोड़ना होता है। तो कहीं ज़रूरी भी नहीं होता कि जैसा आप लोग बना रहे हो बिल्कुल वैसा भी होता है। और मैंने ना उसमें बोला भी था कि मेरा ये रोज़ का डाइट है, मैं प्रॉपर वैसे बनाने लग गई ना तो यार, तो फिर तो हो गया मेरा, क्योंकि मेरे को तीनों टाइम सबके खाने के साथ साथ मेरा अलग बनाना पड़ता है। तो मैं ना बहुत चटपट चटपट वाला बनाती हूँ, और क्योंकि है ना सांभर डोसा है तो सर, बट सांभर भी ऐसा नहीं कि प्रॉपर चटपटा टाइप बना रहे हो। आधी चम्मच घी डाला, उसके अंदर जीरा, सारी सब्जियां डाल के मसाला मिलाया, दाल डाली, सिर्फ सीटी लगवा ली, दैट्स इट। इतना समय बनाती हूँ, तो मेरे को अगर मन होता तो मैं थोड़ा सा ऊपर से इमली का पानी मिला देती हूँ, बस ऐसे। तो वो वाली चीज़ है कि आप लोग बोलो डोसा ऐसा नहीं, तो हर चीज़ में कमी निकालनी भी ज़रूरी नहीं होती है। और डोसा भी है, मैंने उसमें भी बोला है कि मुझे नहीं आता प्रॉपर बनाना, ठीक है, लेकिन मैं बना रही थी जैसा काम चल रहा था वैसा। सो फर्स्ट चीज़ तो हो गई ये, और तो अभी चल रहे हैं अपना लंच करने ही। सेम आज का भी वही लंच है, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना एक कुर्ता डाला है, देखो लूज़ लूज़ हो गए मेरे कपड़े, जस्ट जोकिंग, कोई ऐसा लूज़ नहीं हुआ है, मेरे लूज़ ही था। बट हाँ, थोड़ा सा वेट मेरा रिड्यूस होता जा रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे। आई थिंक 5 किलो कम हो गया है मेरा वजन, काफ़ी अच्छा। डाइटिशियन मेरी, उनकी डाइट भी कितनी शानदार है, टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है। आज मॉर्निंग में तो पास्ता था मेरे। सो अगर आप उनको फॉलो करना चाहते हैं ना, तो साइड में स्क्रीनशॉट आ रहा है उनकी इंस्टाग्राम आईडी का, आप वहाँ पर उनको फॉलो कर सकते हो, और उनसे DM करके आप कॉन्टैक्ट करके लाइक अपने लिए भी डाइट चार्ट ले सकते हो, आपकी बॉडी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे बोल रहे हैं लोग कि डोसा और है ना सांभर ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है? मतलब मैं जाड़ा जाड़ा बना रही हूँ ना सांभर, हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। वो बाहर वाला बनाते हैं पानी और उसमें एक लौकी और एक ड्रमस्टिक तो ठीक रहेगा वो सांभर। ब्लिंकिट ब्लिंकिट से ये वाला सूख है, कोई थोड़ा महंगा तो आता है, बट कोई चीज मंगानी हो तो फट आ जाता है। ये तो अपनी छाछ है, मुझे ना भी अपने लिए कुछ शूट वगैरह करने हैं, उसके लिए मुझे ना जो अपने कपड़े हैं वो आयरन करने हैं। और मैंने ना गारमेंट स्टीमर मंगवाई है अगारो की, बहुत ही अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है। नॉर्मल जो स्टीमर आप जो घर में यूज़ कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आपके जो कपड़े उनको आयरन कर देता है, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी हैं इसके, इसके रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पास में गारमेंट स्टीमर होना चाहिए, वो सारे कपड़ों के लिए सूटेबल होता है, इतना ज़्यादा हैंडी होता है कि आप इजिली उससे बहुत ही जल्दी कपड़ों को जो आयरन कर सकते हो। और कपड़ों में जितने भी रिकल्स होते हैं ना, हमें एक प्लेन सरफेस की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से कपड़े जो हम आयरन कर देते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कुलदीप की एक शर्ट आयरन करके, कितना अमेजिंग वाला प्रोडक्ट है ये। ये है अगारो की सिग्निफाई हैंडलेट गारमेंट स्टीमर, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके साथ में आपको एक ईयर की गारंटी कार्ड, मैनुअल बुक आपको मिल जाएगी, काफ़ी सारे अटैचमेंट है इसके। इसके साथ में आपको 2 ग्लव्स मिलते हैं जिसको पहन के आप जो है अपने कपड़ों को आयरन करें स्टीमर का यूज़ करें, जिससे आपके जो हाथ है वो जले ना। सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। इसके साथ आपको ये 2 अटैचमेंट मिल जाते हैं, आपको जिस पर्पज़ से ये चाहिए उस हिसाब से आप आयरन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इसके साथ में एक केबल मिलती है जो कि 1.9 मीटर की है, अप्रॉक्स 2 मीटर की ही हो गई, इसको आप काफ़ी लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका स्टीमर, इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, इसकी पावर 1500 वॉट की है। ये आपकी रेगुलर आयरन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, इससे बहुत जल्दी कपड़ों के रिंकल्स निकल जाते हैं, और इसके लिए आपको प्लेन सरफेस की भी नीड नहीं होती है। ये नॉर्मल स्टीमर से काफ़ी ज़्यादा
क्विक आपके कपड़ों को आयन कर देती है और ये सुटेबल है सारे टाइप के आपके कपड़ों के लिए, फॉर्मल, पार्टी वियर, कैजुअल, ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको इजीली अपने साथ लेके जा सकते हैं अपने बैग में। ये आपके कपड़ों में जब हीट देती है तो उससे आपके बैड जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो भी मर जाते हैं और बैड ऑर्डर जो होती है वो भी नहीं रहती है। सो ये है इसका वाटर टैंक, 260 ml कैपेसिटी के साथ आता है जो कि मोर इनफ है। एक साथ आप काफ़ी कपड़े इसमें आयन कर सकते हैं। यहाँ से प्रेस करते ये वाटर टैंक जो है वो बाहर निकल आता है और देखिए काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इसकी वाटर की। यहाँ से आपको एक पोर्शन है जहाँ पर इसको ओपन करके इसके अंदर जो वाटर है वो डाल सकते हैं। ऑटोनॉमी है, 15 मिनट कंटिन्यूस स्टीम प्रोवाइड करता है। स्टीम फ्लो रेट जो है इसकी 25 ग्राम पर मिनट है। फ्लो रेट हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल स्टीम भी दे सकता है। स्टीम फ्लो रेट इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, 40 सेकंड के अंदर ये हीटअप स्टार्ट कर देता है। ड्राई बॉइलिंग प्रोटेक्शन है, ऑटो कट ऑफ है इसके अंदर। अगर आपका जो भी ये है आयन, ये अगर ज़्यादा हीट हो जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। वाटर ख़त्म होते ही ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी। सेरेमिक कोटेड स्टीम नोजल इसके साथ आपको मिलता है, इक्वली हीट निकालता है। सो ये मैंने एक शर्ट ली और देखी इसमें कितने सारे रिंकल्स है। अभी इस पर हम आयन कर, आपको बस कोई भी जो आपका कपड़ा है, गारमेंट है, उसको टक करना है और देखिए कितनी इजीली। आप अपने ग्लव्स को ज़रूर पहने जिससे आपकी हीट से हाथ जो है उनको कोई भी नुकसान ना हो, तो सेफ्टी आपकी जो पहले होनी चाहिए। और देखिए कितना इजीली हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों फॉर्म में आपके कपड़ों को बहुत ही जल्दी आयन कर देता है, सारे के सारे रिंकल्स निकाल देता है, कपड़ों में से बैड ऑडर को भी दूर कर देता है। तो ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से सारे के सारे रिंकल्स जो हैं वो निकल चुके हैं। मैंने आपको हाफ में करके दिखा। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज उसको चेक कर लेना। अब ये है लंच, इसको तो क्या ही दिखाना है आपको। ये तो सेम है कल का ही, आपने देखा ही था, डोसा और सांभर। आप इसकी जगह इडली भी ले सकते हैं, दो इडली, इडली ही बोलती हूँ मैं आप लोगों को, एक बार इडली इडली सुनता है पर आपको सुनने में थोड़ा हो जाता है। खड़े हो के बताओ, अच्छे बच्चे हो ना, ऐसे खड़े हो जाओ, आप तो खड़े होते हो ना, वेरी गुड, ओले ओले, गुड गर्ल, गुड गर्ल है, गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड 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 गुड, उठ के आ गई। आज थोड़ा सा कम नहीं सो रही है, बार बार में जग रही है। चुप, क्या खाएगा बच्चा बता, क्या खाएगा मेरा बच्चा। ये कानू ने एक घर बनाया था माचिस से, जो बस अब इसके आज इसके एग्जाम खत्म हुए और इसने पूरे को जला दिया। देखो क्या कारस्थानी है, क्या बच्चे हैं ये। ये कानू देखो, इसकी हरकतें देखो, ये कानू पूरा नहीं जलेगा क्योंकि इसके अंदर ही अपन ने चिपकाए थे ना, जब ग्लू लगाया था ना, तो वो ग्लू की वजह से पूरा नहीं जलेगा ये। बस वो जो ब्लैक ब्लैक है ना, जिन पे वो बारूद टाइप होता है, बस वो जल जाएगा थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे रुक गया ना, क्योंकि अंदर अब ग्लू है तो ग्लू की वजह से ही पूरा नहीं जलेगा। देखिए इधर पेपर पेपर जल रहा है। क्या हो गया छोटी सी चिड़िया को, क्या हो गया। सो हेलो गाइज, आपने क्लिप देखी थी जहाँ मैंने लंच किया था, उसके बाद में थोड़ी सी देर रेस्ट किया था और अभी अजमेर से आए हैं कोई चिया से मिलने के लिए। आपको मिलवाती हूँ, आप पहले व्लॉग में मिल चुके होंगे बट मैं आपको वापस अभी मिलवा देती हूँ। मेरी जो ननद है ना, उनके जेठूती पैसा हैं, तो मुस्कान और युवती दोनों आए हैं चू से मिलने के लिए। काफ़ी देर हो गई है बट मैंने कहा चलो थोड़ा सा भी आप लोगों को भी दिखा। ये दोनों अभी, इनको जितने बच्चे अच्छे लग रहे हैं इनकी शादियाँ हो जाने तो फिर देखो इनको पता चलेगा, क्योंकि ये जो आधे एक घंटे के लिए क्या, ओए धीरे धीरे खिलाते हैं, ठूसे जा रही है उसके मुंह में। ये उसको मैंने खेलने के लिए दिया है ताकि वो थोड़ा उसका टाइम पास होता रहे। क्या किया बेटू उसने, ये से देख रही है, थोड़ी सी सही लग रही है मुझे ये लड़की।
ये नीचे बैठे वाली नहीं लग रही है। मैचिंग नो। मैंने अभी मुस्कान और ज्योति के लिए मंगवाया है पिज्जा, चोकोलावा केक, मेरे लिए ग्रीन चीज। रुलाओ मत मेरी बच्ची को भाई। पिज्जा खाना है? पिज्जा खाना है? नहीं, हेल्प आना है। एक्सेंट होने में मजा आता है। मजा आता है इसको। चलो खाओ गरम गरम में। कि मैं जाऊंगी और मैं बात करके आऊंगी। यार आपने वो बोला था कि जुबान लग गई आज। क्या आप बोल रहे थे ना, तू सो जाएगी कुछ नहीं करेगी। तो गाइस आप देख सकते हो कि आजकल की लड़कियां कितना अनहेल्दी खाना खाती है। मुझे सीधे टिप्स लो। कल चलेंगे हम लोग टिप्स। कल से फॉलो करेंगे गाइस। एक तो मेरा स्नैक देखो और एक इन लोगों का देखो। हम कल से फॉलो करेंगे। कल से आपका व्लॉग देख के डाइट चालू। मैं मील चार्ट बना। तो साइज का भी तो फर्क देखो ना। ओए तो साइज का भी तो फर्क दिखा। गाइस ये देखो कितनी जल्दी पलटी मार गई। साइज का भी तो फर्क दिखता है ना। वो डाइट करेगी दिखना बंद हो जाएगी। तू डाइट करेगी तो दिखेगी। बाय चियू। मम्मा जा रही है घूमी 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 घूमी। तो गाइस मुस्कान और युवती तो चले गए हैं। वो चिया से मिलने के लिए आए थे स्पेशली। और अभी हम लोग जा रहे हैं। मैंने आपको दिखाया पिछले व्लॉग में कि मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया था, तो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। एंड आप लोग मुझे बता रहे थे कि प्रेगनेंसी में हो जाता है, अभी भी को नहीं होता। वो अभी देखते हैं डॉक्टर बताएंगे। जो भी है अभी माइनर से तो आया है। देखते हैं कितने एमजी की दवाई स्टार्ट होती है। तो डॉक्टर को हमने दिखा लिया है और थायराइड अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, मार्जिन पे ही है। बट स्टिल मैंने ना गलती करी, मैंने दवाई छोड़ रखी थी थोड़े से टाइम से। तो उन्होंने बोला वो नहीं करना चाहता आपके ब्रेस्ट फीड पे हो। और कुछ टेस्ट लिखे उन्होंने, जैसे मुझसे पूछा कि कोई और प्रॉब्लम तो इतनी नहीं है ना। तो मैंने बताया मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ये सब। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर डिलीवरी बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है। तो उन्होंने विटामिन D3 है, विटामिन B12 है और एक CBC की लिखी है। तो ये सब मैं कल ही सुबह करवा लूँगी। बाकी उन्होंने 12.5 mg की उन्होंने मेरी मेडिसिन अभी स्टार्ट करी। उन्होंने कहा सब कुछ अपन एकदम नया स्टार्ट से करते हैं, हो जाएगा ठीक। चलो इतना तो मैं थोड़ा योगा वगैरह करके कवर कर लूँगी। अच्छा मजा। तो खाना वगैरह हमारा हो गया और अभी हम क्यू को लोगे थोड़ी देर बाहर वॉक पे आए। हाँ बाहर घूमती थी फिर भी ये बाहर के लिए हैबिटुअल नहीं है। देखो आप, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। बैठो क्यों तुझे चाहिए। यू सेड टू होम आई थिंक समथिंग इज ट्रबलिंग यू। थोड़ी देर के बाद मिलो। पहले बैठ जाओ। मुझे ना हेड वॉश करना है तो मैंने ना अच्छे से बालों में ऑयलिंग करवाई है। और बाल कटवाने के बाद बड़े छोटे छोटे से लगने लगे हैं। अब मैं अपने लिए होममेड ऑयल बनाऊंगी जिससे बालों की थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो। सो बस ऑयलिंग वगैरह करवा के। और मैंने आज ना एक चोटी बनवा ली है क्योंकि वो जूड़ा वूड़ा बनाते तो बाल बड़े उलझ जाते हैं। सो जीजा ने मेरी ऑयलिंग कर दी थी। आपने देखा था मैं चूके कर रही थी, वो मेरे कर रहे थे। और आपने टाइटल से देखा, थंबनेल से देखा, काफ़ी लोग आप लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हो। सो हाँ जी, गुड न्यूज़ तो है। और एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, देखना ये है कि आप लोग क्या गैस कर रहे हो। मुझे पता है बहुत सारे लोग सही गैस भी कर रहे होंगे, तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और एक दूसरे का कॉमेंट देख के मत बोलना आप लोग, आपको क्या लगता है कि क्या गुड न्यूज़ हो सकती है। सो मुझे कॉमेंट करके बताना अगर ज़्यादातर लोगों का सही हुआ गैस, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में उस गुड न्यूज़ को शेयर कर दूंगी कि इतने दिनों से हम आपसे क्या छुपा रहे थे। एंड बहुत 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 ही प्यारी सी गुड न्यूज़ है कि ये हमारे लिए। सो कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस व्लॉग को मैं ये एंड करती हूँ। होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। रही बात मेरी थायराइड की, उसके लिए मुझे ना काफ़ी सारे लोगों ने सजेशंस भी दिए और मुझे ना समझ में ही नहीं आता कि मतलब
आप लोग सही एक लैंग्वेज में क्यों नहीं कमेंट करते हो? एंड जब कई बार मैं रूड हो जाती हूँ तो फिर लगता है, मतलब सामने से फिर देन रिप्लाई आता है कि आपने ऐसे बोला. सो मुझे काफ़ी सारे ऐसे भी आए थे कि ऐसे नहीं होता, वैसे होता है, तो मैं क्या, मतलब वो चीज़ है. मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मुझे ऐसे बोला गया, और ऐसा होता भी है. मुझे कॉमेंट में भी आया किसी ने कि बेबी को भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने वो चीज़ बोली थी. सो मैंने डॉक्टर से बात करी, उनको बताया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं, बट हाँ चांसेस होते भी हैं, तो आप अगर कंट्रोल करोगे तो वो चीज़ वहाँ पर वो हो जाएगी. और मेडिसिन मेरी स्टार्ट हो गई है. और मेरे को ना डॉक्टर ने एक चीज़ और बताई है कि आप है ना दवाई को कहाँ रखते हो, उन्होंने मुझसे पूछा. मैंने कहा अपने बेड के साइड कॉर्नर पे, तो उन्होंने बोला नहीं आप किसी भी ऐसी खुले में नहीं रखोगे जहाँ आपको दिख रही है, आप उसको अंदर किसी ड्रॉर में रखोगे. सो उन्होंने मुझे एक ये टिप भी दिया है. लेट्स सी कितने दिनों में हम क्या कवर कर लेते हैं, लेकिन अभी मैं अपनी दवाई कंटिन्यू रखूंगी, इसको छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ. और मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर गुड न्यूज़ के साथ में. सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट. और जो रानी तो सो गई है, जस्ट मैं भी सोती हूँ, क्योंकि अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, वो थोड़ा सा हो रही है कि मम्मा कहाँ हाथ वाथ मार रही है पास में.